पढ़ाओ यो आइए जिसका इंतजार था मिलिए उसे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मैं उठ चुका हूँ अभी, इस टाइम ईद का सेकंड डे है। बिरयानी शिरयानी फोड़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं कहीं जा रहा हूँ, तो आपको भी वहाँ लेके चलता हूँ, चिड़ियाघर जा रहा हूँ। आज तुम्हारा भाई चिड़ियाघर तो विजिट कराएगा, तो बिरयानी ख़त्म करता हूँ फिर चलते हैं चिड़ियाघर, दिखाता हूँ वहाँ क्या माहौल है, कितने सारे जानवर आए हुए हैं, सब चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो फिर तुम लोग जुड़े रहो, दम दमादम अली अली होगा आज, ठीक है। जब तक तुम सब्सक्राइब का बटन दबाओ, मैं बिरयानी फिनिश करता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ चिड़ियाघर। तो देखना पूरी वीडियो देखना। तो सीन कुछ ऐसे हैं, सीन बहुत हार्ड चल रहे हैं। तुम्हारा भाई ईद के सेकंड डे आ गया है, चिड़ियाघर आया हूँ, चिड़ियाघर जानवर देखने आया हूँ। कुर्बानी वाली आने वाली ना करीब, तो तुम्हारा भाई जानवर देखने आया कि ज़िबा क्या करूँगा, मजाक कर रहा हूँ, घूमने आया हूँ यार। अब ऐसे ऐसे मैं कहीं घूमने नहीं जाता यार, जहाँ जाओ साला चाहने वाले पहुँच जाते हैं। ये देखो यहाँ मैं बता के नहीं, फिर मीडिया पहुँच गई यार, क्या यार, थक जा तो इंसान हूँ यार। तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। वजन करें 10 रुपया भाई, वजन करें 10 रुपया भाई, आ जाए भाई, आ जाए, वजन करें 10 रुपया। ये देखो कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये क्या भाई, बिल्लियाँ घूम रही हैं, चिड़ियाघर में आए हो, कहाँ आया हूँ मैं भाई। यहाँ रश क्यों लगा हुआ है, लगता है बिरयानी बट रही है। नहीं नहीं कुछ हुआ हुआ है, चलो आओ चल के देखते हैं क्या है। अरे सब यहीं जमा है, सबसे पूरे चिड़ियाघर यहीं जमा हुआ है। तो सीन कुछ ऐसे हैं, मत पूछो कैसे हैं, फुल खुआरी लग रही है, क्या सोच के आया था, बड़े बड़े जानवर होंगे, बड़े बड़े एनिमल होंगे, डायनासोर चल रहे होंगे, साला घंटा कुछ देखने को मिल रहा, इससे अच्छा मैं टीवी पे डिस्कवरी खोल लेता, वो अच्छा था यार। झरने आ रहे हैं, बिल्लियाँ घूम रही हैं और कुछ नहीं है चिड़ियाघर में, पता नहीं क्या है। आगे देखो शायद कुछ, शायद आगे होगा, आगे कुछ होगा, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अबे एलियन होगा, एलियन होगा, ये देखो है, लेकिन तो इंसानों से मिलता है यार। अरे इंसान ही है, देखो जानवर थे नहीं, उन्होंने बोला इंसानों को डुबोल साला पानी में, और हमारे लड़के एंजॉय करते हुए देखो क्या बात है, नीला नीला पानी, ओहो हो हो। मुकाबला शुरू हो रहा है, मुकाबला शुरू हो रहा है।
चाहे किसी को मजा आए ना आए, ये कहती वाहिद कौम है जो हर जगह मजे कर लेती है, हर जगह फन ढूंढ लेती है। यार वल्ले इतनी गर्मी हो रही है यार, वड़गा इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं रमजान खत्म होने के बाद हुई है या अभी लग रही है, मुझे नहीं पता, बट टाइट फुल धूप मुंह के ऊपर है, देख रहे हो फुल स्वेटिंग वाला मुंह हो रहा है मेरा। भाई तो सीन कुछ ऐसे, मेरे पीछे देख रहे मुमताज बेगम, बच्चों ने बड़ा सुनते थे, बहुत स्कैम हुए हमारे, मैंने सोचा आज जाऊंगा मुमताज बेगम से मुलाकात करूंगा, टिकट शिकट खरीद के उससे पूछूंगा बहुत सारे मजीद सवाल, लेकिन मैंने टिकट लेने से पूछा कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं वहाँ वीडियो बना सकता हूँ, उन्होंने बोला नहीं अलाउ नहीं है, डायरेक्टर से लेना पड़ेगा, डायरेक्टर सीएम के पास जाएगा। बोल लूँ तो उन्होंने बोला वो उससे परमिशन लेगा, वो उससे मतलब टोपी हो रही है, उन्होंने मैंने सोचा मैं अच्छे से सवाल पूछूंगा कि मेरी शादी कब होगी और मेरे बच्चे पैदा कब होंगे और मैं पहले डेट पर कब जाऊँगा, बट उन्होंने जाने नहीं दिया, सारा सीन ही कैंसिल हो गया। तो फिर छोड़ो, ऐसे स्कैम है, बंदा बैठा तुम मिला रहा होता है वो मुमताज बेगम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वीडियो देखते हो? अच्छी लगती है? कहाँ से आए हो? अरे वाह, थैंक यू सो मच, प्यार देते रहना, तुम लोग आ गए व्लॉग में टेंशन नहीं लेना, ठीक है, लेकिन तुमने कमेंडर्स मारने हैं, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, ओके। जबरदस्त भाई, ये अपने जरा फॉलोअर सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे वीडियो बनाते हुए देख लिया, इसमें से एक बंदा मुझे पहचानता था, मैंने बोला अच्छा तुम्हें लेकर आता हूँ, तुम्हें लेकर आता हूँ ना यार, आइए, जिसका इंतजार था मिलिए उससे। ये सर कटा है अंदर जिन भूत वगैरह ना, मैंने बोला मैं जाऊं, फिर सोचा क्यों ना जो बाहर आ रहे हैं पहले उनसे जरा फीडबैक लिया जाए फिर मैं जाऊंगा। हाँ जानी क्या हाल है? ईद मुबारक, कैसे हो? फुल सऊदी उदी बना हुआ है, मजा आया अंदर, इधर अंदर जाके मैंने देखा तो बाहर निकल रहे मजा है नहीं है, थोड़ा बहुत मजा है लेकिन आदमी है, मजा इसलिए नहीं आ रहा, खाली सॉन्ग चालू किया। तो तू क्या चाह रहा है, औरतें और नाच रही हो, क्या चाहता है तू, क्या चाहता है? तो अलग बात है ना, ये तो और चीज ऐसे फजूल है, भूत अद्भुत मजे का भूत है नहीं है भाई साहब, ये लड़के को नहीं, वैसे ये जो हमारा बंदा है ना, ये थोड़ा सा डर भी गया था, है डर गया था, अबे तभी तभी ये डर गया था इसलिए, मैं जाऊं नहीं जाऊं, मैं जाऊं नहीं जाऊं, मजा नहीं आएगा ना, आप चले जाओ, मजा नहीं है, ईद का दिन है, एंजॉय का दिन है, अबे मैं ईद को छोड़, वैसे अंदर मैं जा रहा हूं, मजा है तो जाऊं, पैसे जाया नहीं करूं, नहीं डरूंगा, मजा नहीं है ना, मजा नहीं है, चलो फिर भाई प्लान कैंसिल, भाई मैं नहीं जा रहा, भाई प्लान कैंसिल, भाई खत्म, भाई सिक्योरिटी वाले आ गए, सिक्योरिटी आ गई, वरना अच्छा आतंक चल रहा था यहाँ पे, अब वो कह रहे निकलो वो ऐसा मारूंगा, ये कहाँ सुनता है, ये कौम कहाँ सुनती है, पता तो है तुम्हें, अब इनको समझाने चले हो बेटा। सिक्योरिटी का मजाक उड़ा रहा है, ये मेरे को बंदा मिला, फैन मिल गया, ऐसा फैन है, अभी बना है, कह रहा सब्सक्राइब कर रहा हूँ, मैंने बोला दबा के सब्सक्राइब को, अबे तुम भी निकालो सारे यार, मोबाइल और नहीं, ये देखो क्या यार, अभी मिल गया ना यार, अब तो कर ले यार, ऐसी बात नहीं, रश तो हो रहा है, इतने सही है, अभी क्या देख रहे हैं, अरे मैं आपको दिखाता हूँ क्या देख रहे हैं, इतना सब भीड़ है किस चीज़ की, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो आ जाओ,
भाई रश भी बहुत हो रहा है और गर्मी भी सही बहुत हो रही है। जरा मैं कहीं बैठ के फुर्सत तक तुम्हें बताता हूँ कि सीन आखिर है क्या, मामला चल क्या रहे हैं। फुल टाइट गर्मी हो रही है यार, फुल धूप ऐसा लग रहा है मुंह पे चमाटे मार रही है। चलो बैठता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ। भाई सीन बहुत हार्ड चल रहा है, अंदर तो बहुत गर्मी है। जाता हूँ गाड़ी में, AC खोल दूँगा, बैठता हूँ, सांस लेता हूँ, फिर तुम्हें अपडेट देता हूँ कि क्या सिचुएशन है। फिलहाल बाहर आ गई हूँ, अपनी समझ से तो बाहर है, फैमिली के हिसाब से आप समझ सकते हो। चलो बाकी आपको गाड़ी में जाकर बताता हूँ मैं। इतनी गर्मी थी, मैंने बोला अच्छा सत्तू का ग्लास लगा दे, क्योंकि इसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा था। बहुत शुक्रिया दोस्त, दिस इज कॉल्ड सत्तू।